आप देख रहे हैं डीडीटी लाइव। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दारुल उलूम मुजाहिरुल उलूम करमहा बुजुर्ग में धूमधाम से मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। गोरखपुर भटहट ब्लॉक के अंतर्गत दारुल उलूम मुजाहिरुल उलूम करमहा बुजुर्ग में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। देश की आजादी की 75वां वर्षगांठ रविवार को पूरे हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री कासिम अली ने तिरंगा ध्वज फहराया और बच्चों ने राष्ट्रगान पढ़ा। इस अवसर पर लोगों ने देश के अमर शहीदों तथा स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। इस अवसर पर मास्टर सयाद ने लोगों को संबोधित किया और देश की आजादी के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में लाखों युवाओं ने अपने प्राणों को आहुत किया है। आज की युवा पीढ़ी को आजादी के सच्चे मायने समझने होंगे और उन महान बलिदानियों की शहादत को हमेशा याद रखना होगा। इस मौके पर कारी मुमताज निजामी हाफिज, फखरुद्दीन मास्टर रहमतुल्लाह, मास्टर कासिम, अकीबुन्निसा, अजीमुल्लाह, नूरुल हसन खान, कमालुद्दीन अंसारी, नसरुद्दीन खान, रजीउल्लाह, हाशिम खान, शरीफ खान आदि उपस्थित रहे। बीबीसी लाइव के लिए गोरखपुर से रियाजुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। जय yeah.